डाइक से आपसे सवाल क्या क्या निकल सकते हैं। सबसे पहली बात तो जन्म इसका, क्या जन्म, जन्म कब हुआ? 1874 में, है ना। मृत्यु, मृत्यु कब हो गई इसकी? तो मृत्यु हो गई 1949 में। नागरिकता कहाँ की ग्रहण कर रखी थी इसने? नागरिकता, तो नागरिकता अमेरिका की, कहाँ की? अमेरिका की इन्होंने नागरिकता ग्रहण कर रखी थी। ठीक है साहब, अब नागरिकता ग्रहण कर रखी है तो इन्होंने कार्य क्षेत्र किसको बनाया? कार्य क्षेत्र यानी कार्य कहाँ पर किया? तो इनका जो कार्य क्षेत्र था तो टीचर्स कॉलेज था, टीचर्स कॉलेज। और टीचर्स कॉलेज कहाँ पर? कोलंबिया, कोलंबिया, यहाँ इनका कार्य क्षेत्र रहा। कार्य इन्होंने किस पर किया? तो कार्य किया इन्होंने पशु व मानव व्यवहार पर, पशु व मानव व्यवहार पर कार्य किया था, पशुओं पर व मानव के व्यवहार पर। अच्छा, और आपसे पूछ लेता है कि इनको क्या कहा जाता है? इसको एक जनक के रूप में और जाना जाता है। किसका जनक के रूप में जाना जाता है? कोई बताएगा रे? इसको शिक्षा मनोविज्ञान, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का इनको जनक माना जाता है। मनोविज्ञान इसका क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अच्छा, प्रयोग किस पर किए इन्होंने? तो प्रयोग जो किए वो प्रयोग किए, एक तो किया बिल्ली पर, किस पर किया? बिल्ली पर भी किया इन्होंने, कुत्ते पर भी किया है ना, और मुर्गी पर भी इन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन आपसे पूछेगा कि इसका मुख्य प्रयोग कौन सा है? तो मुख्य प्रयोग, मुख्य प्रयोग जो रहा है इनका वो रहा है किस पर? बिल्ली पर रहा है, पर रहा है बिल्ली पर इनका मुख्य प्रयोग रहा है। और बात करते हैं इनके बारे में, है ना। इन्होंने कुछ ना कुछ रचनाएं भी लिखी होंगी। थॉर्नडाइक की रचनाएं, किसकी रचनाएं? थॉर्नडाइक की रचनाएं, पुस्तक, अब पुस्तकों पे कौन कौन सी पुस्तक? नंबर एक, सबसे पहले इन्होंने लिखी एजुकेशन साइकोलॉजी। कौन सी लिखी? एजुकेशन साइकोलॉजी, कब लिखी आपसे पूछ लेता है? तो 1900 कितने? 1903 में लिखी, 1903 में लिखी। फिर इसके बाद में दूसरी बात लिखी एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एलिमेंट ऑफ ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, है ना, 1905 में। कब लिखी? 1905 में। फिर इसके बाद में लिखी है इन्होंने, तीसरी लिखी है एनिमल साइकोलॉजी, एनी सॉरी एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ये पुस्तक लिखी है इन्होंने। कब लिखी है? 1911 में, 1911 में। कौन सी लिखी है? एनिमल इंटेलिजेंस। फिर चौथे नंबर पर लिखी है इन्होंने द टीचर्स वर्ड बुक, द टीचर्स वर्ड बुक, ये पुस्तक लिखी है इन्होंने। कब लिखी है? तो 1921 में, टीचर्स वर्ल्ड बुक, है ना। फिर और कौन कौन सी लिखी है? और लिखी है इन्होंने नंबर पांच, है ना, फंडामेंटल साइकोलॉजी, सॉरी फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, द फंडामेंटल, ऑफ लर्निंग, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, ये पुस्तक लिखी है 1933 में। और एक लिखी है इन्होंने, एक पुस्तक यहाँ लिख रहा हूँ, छठवीं पुस्तक है ह्यूमन, एंड सोशल ऑर्डर, ये पुस्तक, तो ये लिखी है 1940 में। इस प्रकार से इन्होंने पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी लिखी? एजुकेशन साइकोलॉजी, एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, द टीचर्स वर्ड बुक, और फिर लिखी है द फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, है ना। ये भी साथ साथ याद रख लेने हैं। और ह्यूमन एंड सोशल ऑर्डर कब लिखी है? 1940 में, ठीक है, ये पुस्तकें लिखी है। अच्छा, प्रयोग किस पर किया इन्होंने? बिल्ली पर, है ना। तो एक सिद्धांत भी दिया था इन्होंने, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, टाइक का सिद्धांत, सिद्धांत जो दिया था, सिद्धांत कौन सा दिया था?
सिद्धांत दिया था संबंधवाद का सिद्धांत। किसका? संबंधवाद का सिद्धांत, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था संबंधवाद का। अच्छा, संबंधवाद का सिद्धांत से क्या, तो आपको एक नाम और इसका मिल सकता है, उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया, अनुक्रिया सिद्धांत, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, है ना। उद्दीपक का मतलब क्या है? स्टिमुलस, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स थ्योरी, है ना, इस नाम से भी इसको जानते हैं, है ना। एस आर थ्योरी, एस आर थ्योरी के नाम से भी इस सिद्धांत को जानते हैं, है ना। आप देखिए इसके और अन्य क्या क्या नाम मिल सकते हैं, अन्य नामों में देख लेना, अन्य नाम क्या क्या मिल सकते हैं इसके। आवृत्ति का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? आवृत्ति का सिद्धांत, ये आपको मिल सकता है, इसी का नाम मिल सकता है प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत, इसी का नाम आपको मिल सकता है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, और इसी का नाम आपको मिल सकता है क्या, योजनावाद का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? योजनावाद का सिद्धांत, योजनावाद का सिद्धांत, सिद्धांत, है ना। इसी का नाम आपको मिल सकता है चयन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? चयन का सिद्धांत। इसी का नाम आपको मिल सकता है हर्ष व दुख का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत, है ना, सिद्धांत। इन नामों से हम इसको जानते हैं, लेकिन मुख्य नाम इसके क्या मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या एसआर थ्योरी, है ना। अब इन्होंने ये जो प्रयोग किया था किस पर किया था, तो प्रयोग किया था किस पर? बिल्ली पर। प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर। प्रयोग बिल्ली पर किया, बिल्ली, है ना, इस पर प्रयोग किया है। इसने समझाने का प्रयास किया है कि हम बार 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 त्रुटि करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं मिलेंगी जिससे हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि बिल्ली की बात करें, इनकी बिल्ली थी, इनकी बिल्ली की क्या प्रोसेस है वो भी देख लेते हैं। इन्होंने प्रयोग किया है, तो इस प्रयोग की मैं एक बार बात कर लेता हूँ, कैसे प्रयोग है। प्रयोग बिल्ली, और प्रयोग जो है बिल्ली, ठीक है। ऐसे था इस प्रकार से, एक तो क्या थी, बिल्ली थी, एक क्या थी, बिल्ली, इस प्रकार से ये बिल्ली थी, ये, हाँ ये बिल्ली है, अरे बना दूंगा इसको बिल्ली जैसा, टेंशन मतलब, है ना, ठीक है। लगभग बिल्ली है ये, वैसे उसकी तो पूरी बिल्ली थी अपनी, लगभग 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 क्या है, बिल्ली है। अब देखो इसको ऐसे एक बॉक्स में बंद कर दिया गया, किस में बंद किया गया, इसको बॉक्स में बंद किया गया, और इस बॉक्स में क्या किया गया, बिल्ली को अंदर रख दिया। देखिए अब बिल्ली को अंदर रखा, तो यहां पर इन्होंने क्या बना दिया, एक गेट बनाया, क्या बनाया, गेट, इस तरीके से गेट बना दिया कि जब बिल्ली इसको खोल सके और बाहर निकल सके, है ना, ऐसे एक गेट बना दिया, ये गेट ही है, ठीक है। अब यहां पर एक लीवर बना दिया, क्या बना दिया, लीवर, ये क्या है, लीवर, लीवर दबाने पर क्या खुलेगा, गेट खुलेगा। अब देखो साथ साथ यही चीज काफी नहीं है, साथ साथ ये भी जरूरी है कि बिल्ली कैसी होनी चाहिए, भूखी होनी चाहिए, बिल्ली कैसी होनी चाहिए, भूखी, है ना। तो बिल्ली कैसी है, ये भूखी है, भूखी बिल्ली, जब भूखी होगी बिल्ली तभी तो क्रिया करेगी, जब उसका पेट भरा हुआ होगा, उसको खाने की इच्छा ही नहीं होगी, तो वो क्रिया करेगी क्या, नहीं करेगी। तो इसीलिए बिल्ली को कैसा रखा गया, भूखा। 5 दिन प्रयोग चला था ये, कितने दिन चला, 5 दिन, सुबह 10 बार करता, शाम को 10 बार करता, सुबह 10 बार, शाम को 10 बार, ऐसे 5 दिन किया, मतलब बिल्ली के साथ में उसने 100 प्रयास किए, और 100वें प्रयास में यानी कि अंतिम प्रयास तक बिल्ली एकदम परफेक्ट हो गई थी गेट खोलने के लिए। क्या था इसमें, देखिए उसने रखी एक मछली, क्या रखी, मछली, ये रही मछली, ठीक है सर, ये है मछली, ठीक है मछली, और ये मछली कैसी है भाई, मृत है, मछली कैसी है, मृत, मरी हुई है ना। इधर ये बिल्ली कैसी है, भूखी है, ये भूखी है,
अब ये जो इसका नाम दिया गया, इस बॉक्स का नाम दिया गया पजल बॉक्स। कौन सा बॉक्स? पजल बॉक्स, है ना, पजल बॉक्स। बिल्ली को इसमें रखा गया। अब साहब बिल्ली को जैसे ही उसने देखा मछली की सुगंध आई, उसको भोजन की सुगंध आई, बिल्ली ने उछल कूद स्टार्ट कर दी। कभी तो वो इन सलाखों को काटने का प्रयास करती कि इन सलाखों से मैं निकल जाऊं, कभी बिल्ली अपने पंजे को मछली की तरफ देती, लेकिन सारे प्रयास उसके असफल रहे। और बार 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 बहुत टाइम तक वो बिल्ली उछल कूद करना, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। अकस्मात उसका पैर किस पर पड़ा? लीवर पर पड़ा, और लीवर खुला और दबा और गेट खुला। और लीवर दबने से क्या खुलेगा? गेट। लीवर दबने से, गेट खुलेगा। क्या खुलेगा? गेट खुलेगा। और जैसे गेट खुला तो तुरंत बिल्ली बाहर निकली और मछली को पकड़ के अंदर ले गई। अब थोंडा साहब ने क्या किया? उसने तो प्रयोग करना था ना, बिल्ली से क्या ले लिया? खाना ले लिया और मछली को पुनः वहीं रख दिया, और फिर बिल्ली को प्रयास कराना शुरू कर दिया। सुबह के समय की स्टार्टिंग कर रहे थे वो, 10 बार करना था ना, सुबह के टाइम 10 बार, शाम को 10 बार। उन्होंने एक सिस्टम बना लिया था कि ऐसे प्रयोग करना है। तो इसने प्रयास करना शुरू किया। पहली पहली बार में इसको बहुत ज्यादा समय लगा, दूसरी बार में इसको और कम समय लगा, तीसरी बार में और कम समय लगा, चौथी बार में और कम समय लगा। और धीरे 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 बिल्ली को ये पता चल गया कि जो गेट खुलेगा वो कहाँ से खुलेगा? यहाँ लीवर से खुलेगा। जैसे लीवर दबेगा गेट खुलेगा, भोजन मिलेगा। लीवर दबेगा गेट खुलेगा, भोजन मिलेगा। अब बिल्ली ने ये सीख लिया। क्या सीख लिया? लीवर को दबाना, गेट को खोलना और भोजन को प्राप्त करना। इस प्रकार से ये प्रयोग किया। इससे क्या होता है कि हमें किसी व्यक्ति के अंदर, मतलब जब वो काम करता है, शुरुआत करता है, तो उसको बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, और धीरे 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 प्रयासों की संख्या कम हो जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि वह व्यक्ति सीख जाता है किसी कार्य को करना, है ना। तो ये प्रयोग था किसका? किस पर? बिल्ली पर। किसका प्रयोग था? थॉर्नडाइक साहब का। लिखना है क्या ये? देखो लिख देता हूँ, चलो थोड़ा सा। के प्रयोग क्या है? प्रयोग है बिल्ली को थॉर्नडाइक ने, पिंजरे में बंद किया, पजल बॉक्स में बंद किया, बंद किया और बाहर खाना रखा। बाहर खाना, खाना मतलब मृत मछली, रखी, जिसे देखकर बिल्ली ने क्या शुरू कर दी? बिल्ली ने उछल कूद, उछल कूद, वाह, पिंजरे पजल बॉक्स को काटने का प्रयास किया। पजल बॉक्स को काटने का प्रयास किया। काटने का क्या किया गया? प्रयास किया। और बिल्ली बहुत समय तक उछल कूद करती रही, उछल कूद करती रही, और अचानक अचानक उसका पैर किस पर पड़ा? लीवर पर पड़ा और गेट खुला, बिल्ली ने भोजन भोजन प्राप्त किया, ठीक है साहब। इस प्रकार बहुत क्रिया करने के बाद बाद बिल्ली ने भोजन प्राप्त करना सीख लिया। बिल्ली ने भोजन प्राप्त करना सीख लिया, ठीक है, लिखिए। और पीछे रुक जाओ तो।